कावड़ यात्रा के समाप्ति के अंतिम दिन भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। इस दौरान हाईवे पर प्रशासन को ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। एसएसपी अजय सिंह ने स्वयं ग्राउंड पर पहुंचकर मोर्चा संभाला। हरिद्वार में कावड़ यात्रा के अंतिम दिन कावड़ियों का बड़ी संख्या में आगमन होने से पूरा हाईवे कावड़ियों से पैक हो गया। इस दौरान एसएसपी अजय सिंह ने अपनी टीम के साथ मोर्चा संभालते हुए ट्रैफिक को कंट्रोल किया। एसएसपी ने कहा कि मौसम ठीक होने और अंतिम दिन होने की वजह से अचानक कावड़ियों की संख्या बढ़ गई, लेकिन हमारी टीम मुस्तैदी से डटी रही। अपने आखिरी चरम पर है, लेकिन अभी भी जैसा लाखों लोग अभी भी जो एग्जिट कर रहे हैं, चूंकि सुबह काफी लोग दिल्ली और आसपास से आए और जो जल लेकर निकल रहे हैं यहाँ पर, और कुछ डाक कावड़ की गाड़ियाँ थी जो आज निकली है यहाँ से आसपास के सरहदी जो हमारे जनपद है हरियाणा के आसपास शामली के लिए निकले हैं। और इनफ्लो भी जैसा अभी हमने मुजफ्फरनगर उधर पता किया है, काफ़ी सारे बाइक से जो लोकल लोग हैं आसपास के वो भी यहाँ पर लगातार पहुँच रहे हैं जल लेने के लिए, जिनको डाइवर्ट करके दूसरे रास्ते से बुलाया है। तो मुझे लगता है ये देर शाम तक ये पूरा क्लियर हो पाएगा, चूँकि जो संख्या है इस बार बारिश काफ़ी दिन हुई तो लोग देर से आए मौसम खुलने के बाद, और अब आप देख पा रहे हैं कि लाखों लोग अभी भी एग्जिट कर रहे हैं, और जिस संख्या में यहाँ पर लोग आए यहाँ पर और अभी भी आ रहे हैं वहाँ से दिल्ली से, खासकर जो देख रहा हूँ बाइक से लोग मुजफ्फरनगर सहारनपुर से बाइक से आ रहे हैं लगातार, ये सिलसिला अभी चल रहा है जो देर शाम रात्र तक ही मुझे लगता है कि समाप्त हो पाएगा। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।